बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और कामयाबी और इज्जत देने वाले खुदा तेरे से मदद मांगते हैं। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको, आपकी सारी टीम, डॉक्टर यास्मीन, आपकी सारी हेल्थ की जो टीम है, उस सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो हमारा सफ़र है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का, एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया। मैं आपको इसलिए भी मुबारक देता हूँ कि ये आसान नहीं है किसी सूबे के लिए कि 400 अरब रुपया, 400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। चौहत्तर साल की हमारी तारीख में कितने लोग आए, कितने वजीर आलम, प्रेसिडेंट्स, कितने आए, कभी किसी ने सोचा कि करीब घराने में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ये दो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, दो बीमारियों से मरते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और कैंसर से, और दोनों महंगी बीमारियां हैं। तो ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। इधर और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी वजह से बना था। जितने मुसलमान पाकिस्तान में आने थे हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई, तो उतने ही तो हिंदुस्तान में रह जाने थे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, ये पता होते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, जो आज उन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में है। उन्होंने एक ख्वाब के लिए वोट दी थी, जो इलामा इकबाल ने, एक इतने बड़े जहन ने लोगों को ख्वाब बताई थी कि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और जो नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब क्या था कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के ऊपर चल के वो जो उन्होंने रियासत बनाई थी मदीना में, वो हमने एक पाकिस्तान में मिसाल बनानी थी। ये था पाकिस्तान का ख्वाब, जो कि फाउंडिंग फादर्स ने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इस्लामी फलाई रियासत बनना था। और आज तक किसी हुक्मरान ने इस तरफ कदम नहीं उठाया, बल्कि अमीर और गरीब में फासले बढ़ते गए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी सारी बहनें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई थी लाहौर में, लेकिन आजकल के जो हमारी तरह साहिब हैसियत थे, वो तो अपने बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, अगर उन्होंने जाना हो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंग्रेज छोड़ के गया था, आहिस्ता 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 उनकी तो स्टैंडर्ड नीचे चली गई और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल अमीरों के लिए बनना शुरू हो गए। और फिर जो सुपर रिच थे, ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जिन लोगों ने अपनी आवाम की
सेहत और इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी, वो सारे पिछले 30 साल से देखें, जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जब कोई सुनो तो जी उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में, कभी वो अमेरिका जा रहा है, खांसी है तो दुबई जा रहा है। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की आवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हुए हैं, 30 साल से उससे पहले 20 साल पहले दोनों गाड़ियां एक दूसरे को चोर कहते थे, जरदारी को जेल, ये नून लीग ने डाला था। हमें ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था, तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। तो ये लोग जो 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इनसे कोई पूछे कि इस मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं, इसका तो बड़े अजीम ख्वाब था। और आज तक कभी इन्होंने सोचा कि आम आदमी के लिए हमने उनकी, हमारी जिम्मेदारी आम आदमी। बहुत ही रोज रात ये जो आज पाकिस्तान इन्होंने छोड़ दिया है, आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर और नर्सेज टू पॉपुलेशन रेशो, यानी कितनी आवाम के लिए कितने डॉक्टर और नर्स चाहिए, पाकिस्तान की दुनिया में तकरीबन सबसे बुरी रेशो है। यानी हमारे मुल्क में सबसे कम डॉक्टर और नर्सेज आबादी के लिहाज पे हैं, हमारे सबसे कम हॉस्पिटल हैं। जो हॉस्पिटल है भी, आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं या आप फैसलाबाद बैठे, जरा थोड़े शहर से बाहर निकल जाएं, वहां जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का हाल देखें, वहां ना कई ज्यादातर ना डॉक्टर मिलते हैं ना नर्स मिलती है। वो लोग उधर से भागे आते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर पे, क्योंकि वहां हॉस्पिटल में लोग अमला ही नहीं है। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता एक मुल्क में हुक्मरान तबके ने आहिस्ता आहिस्ता आवाम के लिए एक पाकिस्तान बना दिया और अपने लिए दूसरा। तो मैं आज फिर से उस्मान आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत बड़ा कदम उठाया आपने और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे अब आगे होगा क्या। मुझे वो सिंध के अंदर एक पार्टी का लीडर है, 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है, तो वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको, जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें, जाके देखें तो सही बेचारे सिंध के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। आप अभी बारिश आती है तो पानी आता है, आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है, आप कभी गांव में गए हैं लोगों के, पूछा लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। और वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। देखिए मैं अपने पाकिस्तानियों को आज ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि ये जो दो चोर, ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। मेरा मकसद ही आने का ये था कि जब तक ये दो खानदान इस मुल्क को लूटते रहेंगे, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो भी मुल्क का सरबरा जब पैसा चोरी करके बाहर पैसा ले जाए, उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा। मैंने तो दुनिया देखी हुई है, मैंने तो मगरब देखा है, मैंने तो देखी है कि खुशहाल माशरे कैसे कैसे चलते हैं। मुझे तो पता है कि यहां हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, नहीं तो मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स क्या दे सकती थी।
अल्लाह ने तो सब कुछ दे चुका था मुझे, सब कुछ मेरे पास था, ना मुझे कोई शोहरत ना पैसा किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं तो इनका मुकाबला करने के लिए आया था। और सुने जरा, तो दो वजह से आया था, इनके होते हुए पाकिस्तान का को कोई मुस्तकबिल नहीं था, और हमारा मकसद ही इस मुल्क को, हम पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं, मेरे मां बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हम पहली जनरेशन थी जो पाकिस्तान आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। तो जब तक एक मुल्क अपने नजरिए पे नहीं जाता, वो मुल्क कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। और ये एक नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत। तो इन दो वजह से आया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितना भी मैंने दुनिया और सारी दुनिया मौका मिला मुझे देखने का, याद रखे एक कामयाब और खुशहाल माशरे के अंदर दो चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले कानून, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। और इसका मतलब फिर से मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम इस हदीस को याद रख ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। क्यों? जब बड़ा चोर चोरी करता था उसको सजा नहीं मिलती थी, सिर्फ गरीब चोर को सजा मिलती थी। और दूसरी चीज जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ, तुम सबसे अजीम कौम मैंने पैदा की है दुनिया की इमामत के लिए, क्योंकि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बदी को खत्म करते हो, बुराई को दबाते हो। ये दो चीजों के ऊपर मदीना की रियासत की फाउंडेशन थी, और उसके बाद फलाई रियासत थी, इस पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। और आज आपने अगर देखना है, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, जो इंसानी माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा अल्लाह ने उसको उठा देना है। ये जरूरी, अगर ये ना होता तो आज मुसलमान हम आज खुशहाल होते, और जो मुसलमान नहीं है उनके हालात बुरे होते। लेकिन वो कौमें जो मुसलमान नहीं है आज खुशहाल हैं, और मुसलमानों का हाल सारी दुनिया में उठा के देख ले क्या है आज। क्योंकि जो कौमें खुशहाल हैं, आप चले जाएं, और मैं आपको दो चीजें मैं बता दूंगा, उनकी बुनियाद दोनों असूलों पे है, कानून की बालादस्ती भी और फलाई रियासत भी। मैं आपको मिसाल देता हूं, बर्तानिया के अंदर, बर्तानिया से पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का बताऊं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का नंबर वन टेनिस प्लेयर जोकोविच, अजान का इंतजार कर ले क्योंकि मैंने भी आपसे अपनी बड़ी सख्त बातें करनी है। हाजिन, फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आजान के लिए वक्फा किया गया है कुछ देर के लिए, जब तक आजान हो रही है। आजान के एहतराम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वक्फा किया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब।
तो ऑस्ट्रेलिया का एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन टेनिस प्लेयर, दुनिया का नंबर वन ऑस्ट्रेलिया गया, उन्होंने कहा जी नहीं, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक इसने वो हिफाजती टीका नहीं लगाया। बड़ा मसला बन गया कि दुनिया का नंबर वन प्लेयर है, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के नीचे सब है, सबके लिए की कानून है, उसको नहीं खेलने दिया। बरतानिया का शहजादा, किसी अमेरिका में कोई 30 साल पहले कोई खातून को याद आया कि उसने कोई उसे ज्यादती की है, और अदालत में चली गई अमेरिका में। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो बरतानिया का शहजादा है, अदालत ने कहा नहीं, कानून के नीचे सब एक ही बराबर है, वो अब साबित करे आके अदालत में कि उसने वो ठीक कह रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुन रहे, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, एक महीना तकरीबन हो गया पार्लियामेंट ही नहीं आगे चल रही, वो जब जाता है वो एक सवाल पूछते हैं कि जी जब कानून आपने सबके लिए बनाया था कि लोग जमा नहीं होंगे, आपने क्यों पिछली बारी जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था आपने क्यों आपकी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आपने क्यों लोग जमा हो गए और आपने पार्टी कर ली। पाकिस्तान में खबर ही ना बने, यहां अखबारों में नहीं आना था, मैं 3 हफ्ते से सारा मुल्क रुका हुआ है और वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। यहां क्या देखें, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है, और दूसरे पता नहीं क्या वो मदसर रुक या और कोई, वो उनके अकाउंटों के अंदर, हाँ मसरूर अनवर उसके अकाउंटों में करोड़ों रुपए आ जाता है। भाई सबको पता है कि अगर वो बेचारे 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह थी, और ये पैसा तो ये सारे चोरी का पैसा, नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता। अभी तो वो डेढ़ घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में, बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी खिलाकियात ऊपर है। अमर बिल मारूफ उधर चल रहा है, जो अल्लाह की आयत है कुरान की, उस पर वो अमल कर रहे हैं, बदी को दबाओ और अच्छाई के साथ खड़े हो। यहां जब जाते पार्लियामेंट में, डेढ़ घंटे की तकरीर जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में, कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए, और जवाब देता नहीं है, बेटे को बाहर भिजवा दिया है, उधर दूसरे आसिफ जरदारी को देख ले, उधर जी पापड़ वाला चीनी वाला उनके अकाउंट पैसे आ रहे हैं करोड़ों रुपया। तो मुझे यह बताएं कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है, जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और वो हदीस पे हमारे नबी ने वाज़े कर दिया, छोटे चोरों को जेलों में डालो, बड़े चोरों को पकड़ो ना, वो मुल्क तबाह हो जाता है, क्योंकि बड़े चोरों की चोरी तो मुल्क को तबाह करती है, छोटे छोटे चोर कितनी चोरी कर लेंगे। बड़े चोर जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे जाके वहां, और उसको यहां सोचे यहां के हमारे कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। मैं हैरत होती है मुझे कि जब एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें मुल्क तबाह हो जाता है, करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दें मुल्क तबाह हो जाता है, जब चोरी में कोई बुराई नहीं है तो मेहनत कौन करेगा, मैं क्यों पढ़ूं और मेहनत करूं और
बारह बारह घंटे काम करूं जबकि कब्जा करो और गवर्नमेंट प्लॉट पर अरबों रुपया बना लो। मैं मेहनत क्यों कौन करे? अगर माशरे को तबाह करना है इन चोरों को आप ऐसे करें कि इनका इनमें कोई बुराई नहीं है। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है क्योंकि डर लगा हुआ है सबको इमरान खान का। मैं डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूं, तुमने जो भी करना है, मैं तीन साढ़े तीन साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इनको इन्होंने पकड़े तो जाना ही है, सिर्फ देर लग रही है, जजमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है और जब भी सुनेगा तो इन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इसलिए आप पेट फाड़ के बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी कौम सारों को कहता कि ये है असल में पाकिस्तान की जंग, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इसके ऊपर खड़ा होता है एक माशरा जिसमें खुशहाली आती है। जो करप्शन होती है ये सिम्टम्स है, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। कभी सुना है स्विट्जरलैंड के अंदर कब्जा ग्रुप, कभी यूरोप में कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कानून है वहां। और वो है, हमने जंग ये सारे जितने कब्जा ग्रुप है इनको इंशाल्लाह इस मुल्क के निजाम में हमने कानून के नीचे लेके आना है। और इंशाल्लाह जिस दिन ये हो गया, आप खुद ही देखते रहे, तब्दीली तो शुरू हो गई है, लेकिन जो मुल्क असल में ऊपर जाएगा जब इस मुल्क में कानून आम आदमी के लिए, जिस तरह आज एक आम आदमी के लिए सेहत कार्ड आ गया उसके हाथ में कि किसी भी अस्पताल में जाके, कभी भी वो सोच नहीं सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए। मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल से टेलीफोन आया, डॉक्टर जावेद असगर का, कोई दो हफ्ते पहले, कि हमने पहला सेहत कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, एक गरीब आदमी जो सोच भी नहीं सकता था। तो अब दूसरी चीज जो हमने करनी है कि हमने एक आदमी को कभी फिक्र ना हो, आम आदमी को, कि जब भी कोई ताकतवर, कोई कब्जा ग्रुप, कोई जालिम किसी भी कमजोर आदमी के ऊपर उसकी जुर्रत ना हो कि उसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म कर सके, उसका हक मार सके। हमारी औरतें जो हैं जिनको हक नहीं दिया जाता जायदाद में, उनका शरीयत में हक है कि जायदाद में उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता। इंशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट पहली होगी कि जो हक दिलवा के रहेगी अपनी औरतों को कि उनको भी जायदाद में उनको पूरा हक मिले। हमने कभी, हम समझते नहीं है कि हमें तो हमारी औरतों को तकरीबन 1500 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कुरान में उनके जरिए हक दिलवाया था अपनी ख्वातीन को। अभी मैं जाता हूं देहात में, वो बेचारी औरतों को हक नहीं दिया जाता। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अपनी औरतों को, उनको भी हक दिलवाएगी। और जो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम, हमने जो अब ये फैसला किया है कि एक करिकुलम होगा सबके लिए पांचवी क्लास तक और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे, ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफी थी कि इमरान खान के बच्चे, पैसे वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में, बाकी लोगों के या उर्दू मीडियम में और फिर और या दीनी मदरसे, जिनको मौका ही नहीं देता माशरा ऊपर आने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा पांच क्लास तक बड़ी मुश्किलों से हमने डेवलप किया है, अब इंशाल्लाह हम ऊपर लेके जाएंगे और इस मुल्क के अंदर एक करिकुलम और एक कौम बनाएंगे। मैं आखिर में उस्मान बुज़दार आपको खास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो डेवलपमेंट अब पंजाब में हो रही है, मैं अब ये चाहता हूं कि बजाय ऐसे ही टीवी टॉक शोज पे कि जी वो तबाह हो गया पंजाब, मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं और बताएं कि पिछले पांच साल वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, और अभी साढ़े तीन साल में है, अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा,
क्योंकि उसने तो सारा अपने टीवी के ऊपर और इश्तिहारों में काम किया है, ये असल काम हो रहा है। पहली दफा आप देखेंगे मुश्किल हालात के अंदर पंजाब के अंदर सही काम हो रहा है। और आप और जो भी हमारी स्कीमें थी अब वो ज़मीन पे आने वाली हैं, और आप देखेंगे कि हर रोज़ आप नई नई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे। और जो माशाल्लाह हमारा जो चाइना की ट्रिप हुई है, अब जो सीपैक का जो दूसरा फेज़ है वो भी अब शुरू हो जाएगा, और उसमें सही माने में अब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैसलाबाद ख़ास तौर पर कि नई नई इंडस्ट्री आएगी, जॉइंट वेंचर्स हम लेके आ रहे हैं, जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उधर हमने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान अब जिस रास्ते पर निकल गया है ये वो अब पाकिस्तान बनेगा जिसकी मैं हमेशा ख्वाब देखता था। शुक्रिया। फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। सेहत कार्ड रियासत मदीना